वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया, और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सबसे पहले हम सीएबी के माध्यम से आए हुए सारे हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन शरणार्थियों को यहां नागरिकता देंगे, उसके बाद एनआरसी को हम अमल में लाने वाले हैं। एनआरसी मुझे बताओ ये जो घुस के किए आए हैं उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या बातें कर रहे? झूठ फैलाया जा रहा। चुनावी घोषणा पत्र में हमने देश की जनता को वादा किया है, न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे और देश के नागरिकों का रजिस्टर बनेगा। इसके अलावे बाकी के लोगों के कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे। वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया।